दीर्घ 24 वर्ष पर अणगांधी परिवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हेले कांग्रेस नुआ सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली 7897 खंड भोट। शशि थरूर पाई 1072 भोट। पराजय स्वीकार कले शशि थरूर। ट्वीट करी खड़गे को अभिनंदन जनाइले शशि थरूर। गत 17 तारीख में जातीय कांग्रेस सभापति पद पर होता निर्वाचन देशर 65 अधिक स्थान में भोट देते पीसीसी सदस्य एवं डेलीगेट्स 9000 अधिक डेलीगेट्स भोट देता बेले 96% मतदान होता। दीर्घ 22 वर्ष पर कांग्रेस सर्वोच्च पद पर निर्वाचन होता बेले 24 वर्ष पर दल को मिली अणगांधी नेतृत्व। मल्लिकार्जुन खड़गे हेले कांग्रेस नुआ सभापति। दीर्घ 24 वर्ष पर अणगांधी परिवार कांग्रेस अध्यक्ष एने अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ सांबादिक रवि दास आम सहित जोड़ी होती। श्रीजुक्त दास स्वागत करुच्छी। जहां पूर्वानुमान करा जाइतिला ताहा ही होईची दीर्घ 24 वर्ष पर अणगांधी सभापति होईचंती। स्ट्रेटेजी कौन रहिबो? नहीं देखंतु एटा गोटे समस्त जे माने भारत वर्ष गणतंत्र भल पाउचंती गणतंत्र व्यवस्था भल पाउचंती कांग्रेस दल रे निर्वाचन अणगांधी जने कांग्रेस सभापति हवा कथा को निश्चय स्वागत करिवे पसंद करिवे से जहां कहीं जो भाव में सभापति निर्वाचन है कल भारत वर्ष अनेक दल मानक सभापति निर्वाचन गणतांत्रिक ढांचार भी होने गणतांत्रिक ढांचार कांग्रेस परिधर जहाँ को बराबर गोटे डायनेस्टिक पार्टी भाव लोक भावुले वंशवाद दल भाव में से दल ने निर्वाचन होने अणगांधी कांग्रेस सभापति हवा ये गोटे अत्यंत देश बाय देशर गणतंत्र देशर व्यवस्था पर भल कहीं यहाँ भारत वर्षर ए आगुर तो बहुत दिन क्षमता दे मुख्य विरोधी दल हूँ कांग्रेस दल एवं जातीय दल तो से दृष्टि बीजेपी पर क्या देखा जाए प्रकृत जातीय दल से कांग्रेस तृतीय दल तेणु से दल ने व्यवस्था को समस्त स्वागत करेंगे और जो भाई निर्वाचन है शशि थरूर निर्वाचन प्रतिजोगिता को शशि थरूर भोट जहाँ पातना कहीं से निर्वाचन प्रतिजोग को अत्यंत रोमांचकर करते आप देखिए बहु लोक केवल से जो निर्वाचन प्रचार कले से बहुत लोक आकृष्ट होते एडुकेटेड लोक मैंने आकृष्ट होते बहुत भल हो जने अणगांधी कांग्रेस सभापति हवा पर कांग्रेस संगठन की अवस्था कांग्रेस संगठन की परिवर्तन आसुच्छी पर्टिकुलरली राहुल गांधी जो भारत जो यात्रा करापर तक पोजिशन दल भितर कौन हो देखिए दुई जन शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे दुई जन डिजर्विंग कैंडिडेट थे तेणु 24 पाई रणनीति कौन रही भाई खड़गे तो निर्भर करेंगे खड़गे कितु जी जहां कहीदेली जो गांधी परिवार जिते जहां कहले भी राहुल गांधी सोनिया गांधी से कांग्रेस रोटे प्रीएमिनेंट पोजिशन कांग्रेस पार्टी भेजे पशुं जी भी सभापति हेले निश्चय पचार निश्चय कनसल्ट कर सी भूमिका रही है और राहुल गांधी को पदयात्रा कर सी आउ गए नुआ नुआ प्रतिष्ठा मत पाई कि कथा हूँ तर असल समस्या 2024 पूर्व इमिडियट समस्या हूँ गुजरात विधानसभा इमिडियट समस्या हूँ हिमाचल प्रदेश आसंता वर्ष गुड़े राज्य में विधानसभा निर्वाचन इनक्लूडिंग कर्णाटक जो राज्य खड़गे साहब आसान अच्छी छत्तीसगढ़ अच्छी गुड़िया राज्य विधानसभा निर्वाचन अच्छी मध्यप्रदेश अच्छी या किपरी कांग्रेस दल हैंडल कर सीधा सब बाहर बीजेपी सहित प्रतिजोगिता आपको किपर हैंडल कर राजस्थान संकट भी एवं सरी अशोक गेहलोत कथ एपर्त सरी अशोक गेहलोत सचिन पायलट समस्या एवं भी रही नुआ सभापति किपर हैंडल कर प्रकृत दक्षता हिमाचल एवं गुजरात इलेक्शन तनु एसी टेस्ट होई पारे खड़गे एकदम बिल्कुल निश्चित भाव हम कि बाहर चलते कहले देखो गांधी मान प्रीएमिनेंट पोजीशन रही किंतु इमीडिएटली आंसरेबल हे खड़गे जेहेतु सभापति तेणु से दृष्टि यू निर्वाचन फलाफल तो आसो ना ना कि तेनालीरु जना पड़ जा किपर भाव दल परिचालन कर श्रीजुक्त दास कहुए खड़गे गांधी परिवार अनुगत तेणु गांधी परिवार निर्देश रे दल परिचालना हेबो ना किसी परिवर्तन देखा मिले नहीं नहीं सी निश्चित भाव शशि थरूर जी थाते सी कौन गांधी परिवार छाड़ी करता शशि थरूर निजे भी कही सी भी जी होते कहीं कांग्रेस संगठन ने सारा भारत वर्षे सबू कांग्रेस लोकंर जदि कह प्रति आनुगत्य अच्छी से गांधी तरह पर जानते किए न जानते
तेणु शशि थरूर होते कौन अन्यथा होता शशि थरूर काम करने ढंग टे भिन्न होता कि पचारिकी बुझे कम करते यहाँ भी निश्चित एवं कांग्रेस जो हम वर्किंग कमिटी हो पार्लमेंटरी बोर्ड हो से तो ये रही है ना एम को बात दे रोच कि सेगुड़ा हम ना तेणु कितु खड़गे निश्चित भाव में अधिक अनुगत निश्चय अनुगत निश्चय गांधी परिवार प्रति कारण दीर्घ पचास वर्ष कांग्रेस दल रे अभिज्ञता अच्छी से जानते गांधी परिवार हूँ प्रकृत कांग्रेस यहाँ से मन धरिक कम करें निश्चय बिल्कुल आगो आगो को मध्य आपण कहउछन्ते श्रीजुक्त दास गांधी परिवार निर्देश रे ही दल परिचालन हेबो सियर एते कि भादार अछि से नेबे किंतु इउडा अलग व्यक्तित्व तो निश्चय दलित संप्रदाय रो बस क्लब सीनियर लोको तेणु जहा निष्पत्ति हेबो गांधी परिवार करि पारंति किंतु ईश्वर तो कांग्रेस सभापति को नायर हेबो ना तांको दस्तखत रे जीवो ना आज्ञा किंतु गोटे बड़ रणनीति रहिबो आगो को जेतु 2024 निर्वाचन आसुची एतरे चैलेंज रहिबो एक खड़गेंको पय एक बड़ चैलेंज मध्ये रहिबो एकदम बिल्कुल बिल्कुल आगे खड़गे पे रहिबो एंटा कांग्रेस दल पे रहिछि कांग्रेस दल तो एबे सेसा प्रतिक्रिया नेबा को चाहि श्रीजुक्त दास खड़गेंकर दीर्घ वर्षर अभिज्ञता रहिछि आपण जानिछन्ति तेणु युवपीढ़ी सीनियर भोटर भितरे समन्वय रक्षा करिवारे केते सहायक हेबे संगठन को सुदृढ़ करिवारे केते बड़ भूमिका रहिबो खड़गेंकर निश्चित भाव कांग्रेस सभापति तो सब देखु कि पुणी कहली कांग्रेस दल रविष्य आज जो निर्भरशीलता कांग्रेस लोक मैंने साधारण लोक मैंने चारे कांग्रेस लोक मान से गांधी परिवार लोक मेरे निर्भर एवं जोटा बिल्कुल देखो 24 वर्ष पर अणगांधी परिवार कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होती मल्लिकार्जुन खड़गे होती कांग्रेस नुआ सभापति वरिष्ठ सांबादिक रवि दास समस्त रही अधिक आलोचना करते पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में बात्या सृष्टि होती गतकाली आंडामान सगर में घूर्णिबल आज समान स्थान में सक्रिय रही फल समुद्र में अधिक बल गुटा 24 घंटे यह पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर में लघुचाप रूप नहीं पारे 22 तारीख सका यह केन्द्रीय बंगोपसगर में अवपात नहीं पारे और यार परवर्त 48 घंटे यह पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में बात्या रूप ने संभावना पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना दी यार प्रभाव में 23 तारीख सका वर्षा आरंभ हो 22 तारीख रु पवन बेग सर्वाधिक 65 किलोमीटर रही पारे या सहित समुद्र भितर को न जावाई मत्स्यजीवी मान परामर्श दि जाएगी बात्या जो ओडिशा उपर यार प्रभाव सर्वाधिक रहा नहीं आकलन कर चौबीस घंटे पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर में लघुचाप रूप ने 22 तारीख सका केन्द्रीभूत हो बंगोपसगर में अवपात रूप ने तेणु दिने दुई दिन भितर स्पष्ट हेब कौन रत्यार गतिपथ कौन रीव्रता पवन बेग कौन रवर्त 48 घंटे यह पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में बात्या रूप ने संभावना रही पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना दि जाऊँ विभिन्न मॉडल समान आकलन करुं यार प्रभाव में 23 तारीख सका वर्षा आरंभ हो 22 तारीख रु पवन बेग सर्वाधिक 65 किलोमीटर रही पारे बोली पाणीपाग विशेषज्ञ मैंने आकलन करुं सहित जेहेतु समुद्र रफ कंडीशन में समुद्र भितर को न जावाई मत्स्यजीवी मान परामर्श दि जाए सबुठ बड़ कथा हो पश्चिमबंग आंध्र एवं ओडिशा उपरे विशेष प्रभाव रहिबो एवं बात्या जो ओडिशा उपरे सर्वाधिक प्रभाव रहिबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने आकलन करुछंती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में बात्या सृष्टि होउची गतकाली आंडामान सगर में घूर्णी बल जेउठारे रहितला अवस्थिति आज सेइठारे रहिछि सेइठारे ही समान स्थान में सक्रिय रहिछि फळरे समुद्र में अधिक बल गोटाउची बोली कहा जाउची तेणु यह 24 घंटे पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर में लघुचाप रूप नहीं पारे एवं 22 तारीख रु कहुची पवन बेग सर्वाधिक 65 किलोमीटर पर्यंत रही पारे तेणु समुद्र भितर को न जावाई मत्स्यजीवी मान बारण पाणीपाग विभाग पक्षर एवं बात्या जो ओडिशा उपर यार एक विशेष प्रभाव रही कहुची उपकूल ओडिशा विशेष प्रभावित होवार आशंका उपजी किंतु गतिपथ एवं प्रभाव एवं कौन रहिबो विशेषकर बात्यार प्रभाव ओडिशा उपरे
एने हुए तो स्पष्ट चित्र आसंता काली सुधा जना पड़िबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने आकलन करुछंती। किंतु विशेष भाव रे कुआ जाउची जे उपकूल जिला गुड़िक अधिक मात्रा रे प्रभावित हेबो एवं बंदर एरिया सब जो रही से सब एरिया टिके विशेष प्रभाव रहिबो एवं ओडिसा रिस्क जोन रे रहिबो बोली पाणीपाग विज्ञानी माने आकलन करुछंती। एने प्रशासन पक्षरु मध्य अलर्ट जारी करा जायची, सतर्क सूचना मध्य दिया जाउची एवं बालेश्वर दीघा कथा जितने सामना को आसुची दीघा रे बात्या माड़ हेबा कथा कुआ जाउची, तेणु जिला प्रशासन मध्य प्राक प्रस्तुति आरंभ कर सारी। किंतु आईएमडी एपर्यंत स्पष्ट करी नाही जे बात्यार दिग केउ आड़े रही केउ आड़े गति करिबो। निरुपमा बेहरा जोड़ी होती अधिक सूचना देवा पाई। निरुपमा, लेटेस्ट अपडेट किछि आसुची कि पाणीपाग विभाग पक्षरु? किसी समय पूर्व आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र पक्षर ट्विट मध्यम सूचना दिया जे गतका सृष्टि होता घूर्णिवलय वर्तमान समान स्थान में अर्थात उत्तर आंडमान सगर में घनीभूत होबार लगी आसंता 24 घंटा भितर यह लघुचाप रूप नेब। 22 तारिख में अवपात, 22 तारिख राति सुधा गभीर अवपात, 24 तारिख सका सुधा यह बात्यार रूप नेब बोली स्पष्ट कर आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र। आम जदि कह आसंता का सका 8:30 सुधा यह लघुचाप परिणत हो बोली गोटे पटे स्पष्ट हो सारी एने सूचना देती पापाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक सूचना देती धीरे धीरे यह घनीभूत हवा आरंभ हो घनीभूत जितेबाला हो गोटे अवपात क्षेत्र में परिणत हो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग्क मुहाइब से आहरी स्पष्ट होकूल आड़क गति कर प्रभाव रु बर्तमान यार प्रभाव में आम जदि देखा विशेषकर मत्स्यजीवी मानू सतर्क रही सूचना दि जाए बारंबार कह 22 तारिख में गभीर 22 तारीख ठारू गभीर समुद्र को मत्स्यजीवी माने जानतु नाही, जो माने समुद्र भितर अछंती 22 तारीख सुधा उपकूल को फेरी आसंतु एवं 23 तारीख ठारू आदौ समुद्र भितर को प्रवेश करबा को बारण होईची। जेपर्यंत पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कोनोसी सूचना दिया जाय नाही तेबे वर्तमान जहां रहूची सूचना रहूची जे संभाव्य बात्यार बात्यारे समुद्र अशांत रहिबो एवं पवनर बेग जहां अनुमान करा जाउची समुद्र भितर 45-65 किलोमीटर रे घंटा प्रति बहिबार संभावना रही से समुद्र अशांत रही मत्स्यजीवी मानू समुद्र जीवा बारण करपटे आम जदि देखा 24 तारिख रु राज्य में वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब विशेषकर उपकूल ओडिशा रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबा नहीं गोटेपटे स्पष्ट कर आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र। तेब यह बात्यार प्रभाव में रोब कौन रहा स्पष्ट होते आम कह 24 सका आमे बात्या कथा कहुचे 24 सकाळु जदि या बात्यार रूप निए तेबे पवन एवं वर्षा केते रहिबो ताहा मध्ये स्पष्ट हबो आसंता काली बोली जे भली कुआ जायची। कारण जते लघुचाप क्षेत्र टिए सृष्टि हबो तार जतेबेले मूवमेंट आरंभ हबो बा गतिपथ धीरे धीरे से तार निर्णय करिबो कारण जहा तो जणा पडुची प्रथम पर्याय पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को ही गति करिबो किंतु जतेले या सृष्टि होइजिबो वास्तव रे यार गतिपथ आहुरी स्पष्ट होइजिबो एवं सेही स्पष्टता उपरे निर्भर करे जे या केते गभीरता केते गभीर हबो यार तीव्रता केते रहिबो एवं जे उपकूल आडे मुहाइबो सेठी वर्षा और पवन रेग किभली भाव में रोक केते इंटेंसिटी रे वर्षा हबो ताहा मध्य कुहाजिबो। किंतु एहा स्पष्ट होइछि जे 24 सकाळु उपकूल ओडिसा रे वर्षा आरंभ हबो एवं किछि किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हबार मध्य संभावना रहिछि जदिओ पवन नै वर्तमान पर्यंत मध्य कोनोसी सूचना पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु दिया जाय नै एवं विशेष करि सूचना जहा रहिछि मत्स्यजीवी मानक पई 22 तारिख सुधा मत्स्य समुद्र भितरे थिबा मत्स्यजीवी कूळकु फेरि आसंतु बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहा जायछि। अन्य पटे मॉडल कथा जदि आमे कहिबा विभिन्न मॉडल कथा आमे आपण को आगर कहूँ जीएफएस हो ईसीएमडब्ल्यूएफ हों कि सब मॉडल कथा कह जहां ओडिशा पश्चिमबंग एवं आंध्र प्रदेश में प्रभाव पकेबा नहीं बारंबार बारंबार मॉडल आकलन कर आसुता बेले आम जदि आज मॉडल कहिबा ता निश्चिंत भाव परिवर्तन होइछि एवं दीघा ठारू पश्चिमबंग भितर यह उपकूल छुईबा नहीं मध्य कोठना कोठी मॉडल देखाउछि। किंतु अन्य पटे आम जदि आज आईएमडी जीएफएस मॉडल कथा कहिबा आईएमडी जो जीएफएस मॉडल कहुचि यह ओडिशा उपर यार प्रभाव रहिबो जदिओ तारीख सामान्य विलंब रहिछि 28 तारीख बोली कहा जाइछि किंतु आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर निर्देशक स्पष्टीकरण रही जे एहा एक न्यूमेरिकल मॉडल एवं एहातिरे परिवर्तन आसे एवं एहा आमर कोनोसी सटीक आकलन नुहे याकू नहीं आकलन वर्तमान जारी रही एवं जेतिकी दिन बढ़िबो लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हबो अवपात रे परिणत हबो एवं बात्यार रूप जेतेबेले नबो एहा सटीक हबो आहुरी स्पष्ट चित्र मध्य मिलिबो एवं स्पष्ट भाव रे जणा पड़िबो जे एहा केऊ दिगरे गति करिबो केऊ उपकूल मुहा हबो एवं केऊ केऊ राज्य रे प्रभाव अधिक रहिबो जदि ओडिसा मुहा हेउची ओडिसा रो केऊ
उपकूल अर्थात आम कहवा ओडिशा एवं आंध्र उपकूल दे यहाँ लैंडफॉल कर पारे कि नचेत ओडिशा एवं पश्चिमबंग दे यहाँ लैंडफॉल उपकूल अतिक्रम करे कि जो द्वंद्व रही आम जो देखा आसंता काली पर धीरे 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 चित्र स्पष्ट हो विज्ञान केन्द्र पापाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक जहां सूचना देते कि वर्तमान सूचना रोचे जे 24 तारीख ठू पापाग बदल वर्षा उपकूल ओडिशार आरंभ हो 22 तारीख ठू समुद्र भितर को मत्स्यजीवी को जीवा संपूर्ण भाव में बारण कर बिल्कुल आसंता काली ठारु संपूर्ण चित्र स्पष्ट हेबो एवं 23 और 24 रे बात्यार रूप नहीं पारे एवं रिस्क जोन रे ओडिशा आंध्र प्रदेश एवं पश्चिमबंग रहुछि एवं अधिक बा सर्वाधिक रिस्क जोन रे ओडिशा रहुछि बोली पानी पाग विशेषज्ञ माने आकलन करुछन्ते। धन्यवाद समस्त सूचना पाई निरुपमा। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କହିଛି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 20 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 23 କିମ୍ବା 24 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁଆଡ଼େ ଗତି କରି ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିସହିତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଜଣାପଡ଼ିବ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଉପକୂଳକୁ ଯିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ। ହେଲେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 23 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜରୁରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା, ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର କାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଜୟଦୀପ ଦାସଗୁପ୍ତା। ଗିରଫ ପରେ ଡାକ୍ତର ଜୟଦୀପଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଏତଲା ଆଧାରରେ ଡାକ୍ତର ଜୟଦୀପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଡାକ୍ତର ଜୟଦୀପଙ୍କ ସହିତ ଯୁବତୀଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଜୟଦୀପ। ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଡାକ୍ତର ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଜୟଦୀପଙ୍କଠାରୁ ବିବାହର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ, ସୀମା ଟପିଲା ସମସ୍ତ ବର୍ବରତା, ପୁଣି ଲୋମହର୍ଷକ କାଣ୍ଡ। 38 ବର୍ଷର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେବେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଅଖାରେ ପୁରାଇ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଲୁହା ରଡ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ନିର୍ଭୟା ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଗଠିତ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ ନନ୍ଦନଗରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଲାଗି ଗାଜିଆବାଦରେ ଅଟୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଧରି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ଜଘନ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତଥାପି ଲୁହା ରଡ୍ ଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଜିଆବାଦ ଏସ୍ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳା କମିଶନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ପୁଣି ନିର୍ଭୟା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ପୁଣି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ପୁଣି ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଜଣେ 38 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି।
जेउ घटना आपण सुनिले लज्जारे मुंड तळकु होइजिव संपृक्त पीडितांको हात गोड़ बांधी गोटिए अखा भितरे भर्ती करितिले दुर्वृत्त एवं समान ढंगरे गणदुष्कर्म करा जायछि निर्भया गणदुष्कर्म जेतले सामना को आसीतिला सारा देशरे ये घटना को नै चांचल्य सृष्टि होइतिला समान घटना एबे दिल्ली रे घटिछि दिल्ली रे पुनी निर्भया कांड बळी एक घटना सामना को आसीछि दिवाली और धनतेरस पूर्व ज्वेलरी शोरूम रु बड़ धरणर लूट होई पुणी लूट होई खोद एसपी कार्यालय सम्मुख में ज्वेलरी शोरूम रु केन्दुझर एसपी कार्यालय सम्मुख में साईराम अलंकार दुकान गतकाल रात बड़ धरणर डकायती होई दुकान पछपटे कांथ खोली शोरूम समस्त सुना और रूपा अलंकार लुटी नहीं लुटेरा जीवा समय दुकान सीसीटीवी कैमेरा नहीं जाते आग को धनतेरस शोरूम लक्षाधिक टंकार सुना और रूपा गहना महजूद थी बेले सबकि लूट होता थाना अभियोग अभियोग पाइबा साइंटिफिक टीम सहायता रे तदंत आरंभ कर पुलिस सुना दुकान पछपटु वन विभाग कार्यालय एवं समवाय बैंक पशि दुकान कांथ खोली दुर्वृत्त मैंने डकायती अनुमान कर तेरे केन्दुझर सहर प्रमुख स्थान एपरिक एसपी अफिस् सामनारू जदि यह बड़ धरणर डकायती होती तेज साधारण लोकों धनजीवन केते सुरक्षित बोली प्रश्न करिछंती बुद्धिजीवी आज 9:00 स्टाफ आसिक खोलें दुकान जो पूरा चिरी भिणी के सब रखें सुना जहाँ डिस्प्ले जितने सुना था सब गुड़ा नहीं जाइंट गोटे भी रखने फुल तो रखने पाइजब सब नहीं जाइंट सब टोटल आई पका सुना था प्योर सुना से गुड़ा भी नहीं जाइंट पुलिस प्रशासन कंप्लेट करूँ तो किसी उपाय तो ना पुलिस प्रशासन एम किसी उपाय ना मुझे जाकि देख ली कांतटा कणा करके लोक पशिक चोरी कर सामने पटे चोरी है पछड़े चोरी हो जाएगा लेकिन ये इटा लोक तो सब राति रोते पछाड़े चोरी हो देखते आज आप जो देखिए कैमेरा लगी जो जगह को एसपी ऑफिस को सामना एटी कलेक्टर ऑफिस को सामना सामने चोरी हो तेणु एम कौन आम पेट्रोलिंग करें सचेतन अच्छा आम लोक आमको कौन सुरक्षित आम कौन भावु पुणि फेरिबा से खबर को दीर्घ 24 वर्ष पर अणकांधी परिवार रु कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हेले कांग्रेस नुआ सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली 7896 खंड भोट शशि थरूर पाइछन्ति 1072 भोट पोल्ड आर 9385 आई रिपीट द टोटल वोट्स पोल्ड आर 9385 श्री मल्लिकार्जुन खड़गे 7897 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे 7897 वोट डॉक्टर शशि थरूर 1072 वोट डॉक्टर शशि थरूर 1072 वोट्स इनवैलिड वोट्स 416 invalid vote 416 as per the article 18d of the constitution of indian national congress I madhusudan mistry hereby declare shri mallikarjun kharge elected as the president of indian national congress That's all that I have to say. If you have anything to ask, please say. कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर दो प्रत्याशी थे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री डॉक्टर शशि थरूर चुनाव के लिए वोट 17 अक्टूबर को डाले गए थे और आज 19 अक्टूबर का उसका काउंटिंग हुआ था इस काउंटिंग के अंदर दोनों कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हाजिर